नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। अगली बड़ी खबर आपको रुख कर रहे हैं भोपाल से। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट, सीएम शिवराज सिंह ने बुलाई बैठक। दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में होगी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सीएम, डीजीपी होंगे शामिल। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य होंगे शामिल। तो बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी। सीएम शिवराज ने बैठक बुलाई है, जो बैठक सुबह दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में होगी। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सीएम, डीजीपी उस बैठक में शामिल होंगे। प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितेश मिश्रा जुड़ चुके हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नितेश जी, बताएं क्या ताजा जानकारी है इस बैठक को लेकर। मैम, ऐसा है कि दक्षिण अफ्रीका देश में जो ओमिक्रॉन नामक नया वेरिएंट कोविड का आया है, और अभी पिछले 24 घंटे पहले ही कर्नाटक में दो मरीज पाए गए हैं, वह क्योंकि उनकी ट्रेवल हिस्ट्री पूरी दक्षिण अफ्रीकी देशों से जुड़ी हुई है। तो इसको लेकर के भारत सरकार 48 घंटे पहले ही सारे राज्यों को हाई अलर्ट पे जारी कर दिया था। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संडे को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें चिकित्सा शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, डीजीपी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। माना यह जा रहा है कि यह कोविड जो है सबसे अधिक घातक बताया जा रहा है, और इसको हवा में फैलने की संभावना भी बहुत तेजी से असर कर रहा है। और साफ तौर पे जो महामारी विज्ञान है उसने भी साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि हमको अभी से हाई अलर्ट पे रहना पड़ेगा। अगर हम थोड़े से भी लापरवाह हुए तो यह वेरिएंट जो है हमारे लिए काफी घातक हो सकता है। लेकिन अभी तक इस वेरिएंट की पुष्टि भारत में अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन उसके बावजूद यदि हम मध्य प्रदेश की हम बात करें तो पिछले 11 दिन में करीब मध्य प्रदेश में 137 कोविड के केस मिले हैं। अगर हम 24 घंटे पुराने आंकड़ों पर विश्वास करें तो 23 नए केस आए हैं। इससे स्पष्ट साफ हो गया है कि अगर हम कोरोना को लेकर थोड़ा सा भी अगर हम लापरवाह होते हैं तो यह संक्रमण जो है हमारे ऊपर भारी पड़ सकता है। लेकिन उसके साथ ही आज ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से सीएम इसको लेकर के कोविड को लेकर के बैठक बुलाए हैं, उससे एक नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। खास करके जो स्कूल पूरी तरह से ओपन हो गए हैं, बाजार पूरी तरह से ओपन हो गया है, और कोविड को लेकर के लोग बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं, तो हो सकता है दोपहर तक कोई नई गाइडलाइन सीएम शिवराज सिंह चौहान घोषणा कर दें। और एक बात ये भी साफ है कि यह जो ओमिक्रॉन नामक जो वेरिएंट पाया गया है, इसका नाम सी के नाम पे होना चाहिए, लेकिन जो है स्वास्थ्य संगठन इसको सी के नाम नहीं दे करके इसको ओमिक्रॉन नाम दिया। बताया यह जा रहा है कि जो सी नाम है वह चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सी से कुछ मिलता जुलता है, तो शायद उनकी अस्मिता पे किसी तरह की आंच ना आए, इसलिए इस वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया गया है। जी जी जी। अच्छा नितेश, ये भी बताएं कि नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या तैयारी कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग जो है वो साफ तौर पे सभी कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दे दिया है कि जो भी मरीज कहीं बाहर से आता है, अन्य देशों से, जिसकी उसकी पूरी ट्रेवल हिस्ट्री निकाली जाए और उसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराई जाए। अगर किसी मरीज में थोड़ा सा भी कोविड के नए वेरिएंट की संभावना दिखती है तो उसका जीनोम सिक्वेंसिंग कराने के लिए भी स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तरह से तैयारी कर लिया है। जी जी। और हर कलेक्टर को साफ निर्देश दे दिया गया है कोविड को लेकर के आप जो भी आपको लगता है कि आप अपने जिले में किस तरह से निगरानी कर सकते हैं, अपने सीमाओं को आप पूरी तरह से निगरानी करिए, चाहे वो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, और जो भी यात्री आए उनकी बकायदे स्क्रीनिंग हो, तब जाकर के उनको बाहर जो है शहर में प्रवेश दिया जाए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए नितेश बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी है। आपको बता दें सीएम शिवराज सिंह ने बैठक बुलाई है, दोपहर 12 बजे सीएम हाउस में ये बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सीएम, डीजीपी इस बैठक में शामिल होंगे।